मैं हूं अभिषेक कात्यायन। बिहार को विशेष दर्जे की मांग पर सत्ताधारी एनडीए में तकरार शुरू हो गई है। उप मुख्यमंत्री रेणु देवी विशेष दर्जे की जरूरत नहीं समझती हैं, वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बगैर नाम लिए उनकी समझदारी पर सवाल उठा दिए। विशेष दर्जे पर एनडीए में बवाल, उप मुख्यमंत्री ने पूछा कहां से मायने रखता है विशेष, सीएम ने समझदारी पर उठाए सवाल। बिहार में विशेष दर्जे की सियासत फिर सुलग रही है। सत्ताधारी दल आपस में ही सिर फुटवल करते दिख रहे हैं। उप मुख्यमंत्री रेणु देवी पूछ रही हैं विशेष दर्जे की जरूरत ही क्या है, वहीं सीएम नीतीश कुमार ने बगैर नाम लिए उनकी समझदारी पर ही सवाल उठा दिया। हमारे यहाँ से कितने पैसे आए हैं, क्या विशेष राज्य के दर्जा से ज्यादा पैसा आया है कि नहीं आया है? आज जितने पुल बन रहे हैं, जितने NHI बन रहे हैं, जितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट बन रहे हैं, वो पैसा क्या सब तो भारत सरकार ही दे रहा है ना? तो विशेष राज्य का दर्जा इसमें कहाँ से माने रखता है, पहले ये बताइए। विशेष राज्य का दर्जा हम वही ना करते जो हम चाहते थे। आज जहाँ पुल 4 है वहाँ तो आज हमारा 12-13 पुल बन रहे हैं गंगा पे। तो आज अगर दोनों का आकलन करें तो हमारा ज्यादा स्थिति अच्छा है कि उससे ज्यादा पैसा हम जो विशेष राज्य के दर्जा में हमें जो मिलता है उससे ज्यादा पैसा हम लोग इसमें लाए। तो इतना मेहनत करने के बाद हम लोग यहाँ पहुँचे, लेकिन देश का इतना ज्यादा तो हम तो है सबसे पीछे। इस आयोग की रिपोर्ट आ गई, तब रिपोर्ट की आ गई तो जो हम लोग कह रहे थे तब हो ही ना गया कि सबसे पीछे है। तो जब सबसे पीछे है तो विशेष राज्य का दर्जा पिछड़े राज्यों को अगर मिलेगा तब क्या फायदा होगा? सबसे बड़ा फायदा होगा कि जो केंद्र और राज्य का शेयर है, जो केंद्र की जितनी योजनाएं सरकार की चलती है उसमें हो जाएगा 90-10, अभी 60-40 या 50-50। तब जैसे ही हो जाएगा तो राज्य को कुछ और पैसा बचेगा और उस पैसे से विकास का और काम होगा, तब तेजी से विकास का दर बढ़ जाएगा, तो बहुत तेजी से ये ठीक हो जाएगा और विकसित हो जाएगा। सत्ताधारी एनडीए की तकरार में विपक्षी दल भी कूद पड़े हैं। आरजेडी का कहना है सीएम को एनडीए में तवज्जो नहीं मिल रहा। वहीं कांग्रेस का कहना है कि असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए विशेष दर्जे का राग फिर से अलापा जा रहा है। एक बार फिर से कल आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने विशेष राज्य के दर्जे की मांग उठाई है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, ये विशेष राज्य का दर्जा कोई फुटबॉल नहीं है, ये बिहार की 12 करोड़ जनता का वाजिब हक है। इसे आपने ठंडे बस्ते में डाल दिया था और जब आपका मन आता है फिर विशेष राज्य के दर्जे की मांग का राग अलापने लगते हैं। डबल इंजन में आप हैं, पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा नहीं दिला पाए, विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिला पाए, विशेष पैकेज नहीं दिला पाए, जातीय जनगणना नहीं करा पाए, आपको तो कोई तवज्जो वहाँ मिल नहीं रही है। नकली शराब से हो रही बेतहाशा मौत, गिरती कानून व्यवस्था, चरम पे पहुंच चुका भ्रष्टाचार, शिक्षा और स्वास्थ्य की बहुत ही बदतर स्थिति, बेरोजगारों की फौज, इन सब असली इश्यूज से ध्यान भटकाने के लिए नीतीश कुमार जी ने फिर से बिहार में विशेष राज्य का मुद्दा उठाया है। जबकि सत्य तो ये है कि नीतीश कुमार जी को भी बखूबी पता है कि केंद्र की उनकी सहयोगी भाजपा की सरकार किसी भी हालत में इस मुद्दे को नहीं मानने वाली है। 2005 में बिहार एक बीमारू राज्य की तरह आदरणीय नीतीश कुमार जी को मिला था। उन्होंने अपनी कार्यशैली के दम पर बिहार का कायाकल्प किया है। नीति आयोग की रिपोर्ट में जिन मानकों को आधार बनाया गया है या बिहार की तुलना अगर विकसित राज्यों से की गई है तो यह उचित नहीं है। हमारे माननीय मंत्री ने स्पष्ट तरीके से इस पर सरकार का मंतव्य रखा है, चिट्ठी भी लिखी है। नीति आयोग का मतलब होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, और आदरणीय नीतीश कुमार जी ने तो कहा ही है कि जब तक बिहार जैसे पिछड़े राज्यों को ट्रांसफॉर्म नहीं किया जाएगा तब तक ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया का सपना कैसे देखा जा सकता है। बिहार को विशेष दर्जे की मांग पहले ही ठुकराई जा चुकी है, लेकिन सूबे के लिए ये ऐसा सियासी मसला है जिसे जब चाहे सुलगाकर रोटी सेंकी जा सकती है। नवजीत जी मीडिया।